गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्की वर्मा लाइफ स्टाइल में। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और मैं हूँ अभी नहाई हूँ और मैं अभी सर वॉश करके आई हूँ। आज बहुत खास दिन है, बहुत स्पेशल दिन है। आज है मेरी बहन की रिंग सेरेमनी, यानी मेरी जो बुआ की बेटी है नेहा, उसकी रिंग सेरेमनी का फंक्शन है आज। तो आज हम सब लोग वहीं पर जा रहे हैं, बुआ के यहाँ पर ही जा रहे हैं। और अभी बस मतलब सब लोग धीरे 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 करके अपने काम फिनिश कर रहे हैं। कोई बालों में कलर कर रहा है, कोई सर वॉश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब लोग अब मतलब उठ तो चुके हैं बट लेकिन अपने ही कामों में लगे हुए हैं। घर का काम ऑलरेडी सारा फिनिश कर चुके हैं, चाय नाश्ता भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है क्योंकि हम सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं जल्दी जल्दी। और मेरी जो बुआ है वो रहती है सरदना में, और तो हम लोगों को सरदना जाना है। तो हम निकलेंगे कोई 10-10:30 के बीच में, तो टाइम तक पहुँच जाएंगे, 12:30-11 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम होंगे रेडी। और क्या मैं आउटफिट पहनूंगी वो सब कुछ चीज़ें आपको मेरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, नई विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और किस किस तरीके से मैं किस किस को क्या क्या रेडी करती हूँ, कौन क्या क्या पहनता है, पूरा फंक्शन आपको देखने के लिए मेरे व्लॉग पे मिलेगा, व्लॉग को एंड तक देखना है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी। हाँ, एक चीज़ और, अभी आशी और जीजू और दीदी वगैरह सब लोग आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। टाइमिंग दिया था उन्होंने 7:30 का लेकिन 8 बज चुके हैं, अभी तक आए नहीं है। तो वो आ जाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग तैयार होना शुरू करेंगे। तब तक जो है थोड़ा बहुत मेरा काम जो रह रहा है मैं वो तक कंप्लीट कर लेती हूँ, देन फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ना अभी दीदी आई नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मेकअप कर लूँ। तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी जल्दी से मेकअप करने लग गई थी। बाकी ड्रेस वगैरह जो थी वो मैंने लास्ट में पहनी थी, मम्मी और दीदी को रेडी करने के बाद में मैंने पहनी थी क्योंकि मुझे पहननी थी साड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से अपना मेकअप फिनिश कर लूँ क्योंकि मैं हर बार ना बिना मेकअप के किए रह जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना ही मेकअप करना शुरू कर दिया था क्योंकि दीदी को आने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था और मम्मी भी थोड़ा काम में बिज़ी थी। तो मैंने सोचा मैं अपना ही मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बनाई है और जल्दी जल्दी मैंने स्पीड से इसलिए कर दिया है क्योंकि ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और मेकअप की ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे पहले भी हैं तो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि मेकअप मैं दिखाऊं क्योंकि सेम ही मेकअप होता है और दिन का फंक्शन था तो दिन के अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप किया था। तो मैंने सोचा अब क्या सेम ही चीज़ें होती हैं तो बस अब जल्दी से दीदी आ जाएंगी फिर मैं रेडी होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेडी होकर घर से अपने निकल चुके हैं बुआ के घर जाने पे। और हम ये हमारे घर के आसपास की लोकेशन है। मम्मी का और दीदी का मेकअप मैंने ही किया था और जल्दी जल्दी में मैं जो व्लॉग था वो शूट नहीं कर पाई थी मेकअप का, और बाकी दीदी वगैरह जब आई थी। तो अब ये मेरे घर के आसपास की लोकेशन है और हम रेडी होकर निकल चुके। दिन के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया था अपना, मम्मी का और दीदी का। आउटफिट मेरा कैसा लग रहा है और बाकी चीज़ें कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम बुआ के यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में हम सीधा बुआ के घर पे जाएंगे। तो चलो मिलते हैं बुआ के घर पे पहुंचने के बाद में। और ये दीदी का एक बार मैं आपको मेकअप दिखा देती हूँ। ये देखो, दीदी भी बहुत सुंदर लग रही थी मेरी और मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू है। तो चलो मिलते हैं अपनी बुआ के घर पर पहुँचने के बाद। तो फाइनली हम अपनी बुआ के घर पर पहुँच चुके हैं और हम मंडप में जा रहे हैं लोकेशन पर। तो ये हम मंडप में पहुँच गए हैं, मैं दीदी जीजू वगैरह हम साथ में थे। ये बाहर का कुछ रिजॉर्ट है, कोई मंडप बुक किया हुआ था तो वहाँ का लोकेशन है। ये कुछ इस तरीके का वहाँ का व्यू है, अंदर सामने स्टेज और इधर चेयर है। तो चलो मैं अपनी बुआ की लड़की से मिलवाती हूँ। ये मेरी बुआ की लड़की है नेहा, जिसकी रिंग सेरेमनी, और ये बहुत सुंदर लग रही थी और मैं इसकी नज़र उतार रही थी। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, मतलब मेरी कज़न सिस्टर थी और मेरी दीदी थी। और ये कुछ इस तरीके का वहाँ का डेकोरेट जो चीज़ें की हुई थी वो थी। यहाँ आशी और सोमो जीजू बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और ये मेरी गुड़िया सोमो और मम्मी और मैं हम सब लोग साथ में बैठे थे, मतलब चाची ताई वगैरह जो थी वो सब लोग बाद पैदल हमसे पहले पहुंच गए थे और हम लोग जो है थोड़ा सा बाद में पहुँचे थे क्योंकि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा थी और हमारे साथ में बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था ये सब चीज़ें। और ये मेरी बुआ की छोटी बेटी है 2nd नंबर की, जिसका नाम स्वाति है। तो बोली थी दीदी मेरे को भी अपने व्लॉग में ले लो। ये उनसे छोटी वाली बेटी है मनीषा, बहुत क्यूट हैं ये दोनों भी। और यहाँ देखो सोमो कैसे डांस कर रही है, उसका डांस करने इसने ना सबसे ज़्यादा डांस किया है, मतलब पूरे सभी जितने भी फंक्शन में गेस्ट आए हुए थे सब लोग इसे देख रहे थे। इसने कंटिन्यू आधा घंटा कम से कम ऐसे ही घूमती रही, अकेली डांस करती रही थी। तो अब लड़का लड़की आएंगे और उनकी एंट्री होगी। तो अभी चलो मैं एक बार फिर से, मतलब यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा था ब्राइडल का, मतलब लड़की का, और ये कुछ इस तरीके की स्टेज है। तो मैं ऐसे ही मतलब उससे मिलने के लिए गई थी, वो बुला रही थी मुझे फ़ोटोज़ के लिए।
ये कुछ डीजे का फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ ये है। तो लड़की की एंट्री जो है ऑलरेडी हो चुकी थी, सिंपल तरीके से एंट्री हुई थी, कोई डांस वगैरह नहीं किया इसने, नॉर्मली सिंपल तरीके से हुआ था। और लड़का लड़की दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, कपल्स जो है दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। बट तो जो जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई, कोशिश मैंने ये की थी कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ, तो क्योंकि गर्मी तो एक बहुत ज़्यादा थी। और मैं लड़का लड़की राजी तो का करेगा काजी, यहाँ पर मैं और मम्मी और जीजू वगैरह और राशि वगैरह साथ में बैठे थे। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो हमारे और मेरे को ना साड़ी में थोड़ा अजीब लग रहा था, अनकम्फर्टेबल सा, क्योंकि मेरी खड़ी खड़ी साड़ी थी और ऑर्गेंजा फैब्रिक में थी। दीदी मैं मम्मी सब साथ में बैठे थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो मेरा ज़्यादा घूमने का मन भी नहीं किया गर्मी में। और यहाँ पर दोनों का शूट चल रहा था, मतलब रिंग सेरेमनी का फंक्शन चल रहा था, मेरी उठ के जाने की हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं चली जाऊँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. यहाँ पर मैं मम्मी हम दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और मेकअप इतना ख़राब हो गया था ना गर्मी में, और वहाँ मेरे पापा बैठे थे, वह वीडियो शूट कर रही थी तो वो स्माइल दे रहे थे। ये खाना है तो फ्रेंड्स आ जाओ खाना खा लो। और फटाफट से हमने खाना फिनिश किया, उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज किए फिर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गर्मी के अकॉर्डिंग सच बताऊँ इतना गंदा फील हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, और मेरा हमारा जो मेकअप था ना वो भी ख़राब हो गया था, सारा काला काला हो गया था क्योंकि गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे डीजे पर, तो डीजे पर डांस किया, एंजॉय किया हमने, तो चलो करते हैं एंजॉय। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
shadow through the sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. यहाँ पर मैं भाई वगैरह हम सब लोग डीजे पे डांस कर रहे थे, मैं खुद से अपना वीडियो भी व्लॉग भी एडिट कर मतलब बना रही थी और डांस भी कर रही थी, कोई व्लॉग बनाने वाला नहीं था। मम्मी वगैरह हम सब लोग डांस कर रहे थे और भाई तो फुल एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे मेरी आरशी ये भी डांस कर रही थी स्टेज पर बैठ के, और देखो कैसे फुदक रही है। तो चलो जी, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, हमारा ऑर्डर आ चुका है कि चलो घर। और यहाँ पर हमने अपने बैग उठाया और हम अपने घर की साइड को चल दिए थे, क्योंकि भाई शाम के 4:30-5 बज गए थे हमें निकलते निकलते, तो यहाँ से हम निकले थे, निकल ही रहे थे। तो सब लोगों का मतलब सब चीज़ें काम फिनिश करके सारा फंक्शन, ऑलमोस्ट गेस्ट चले ही गए थे, हम ही बचे थे बस। तो हम भी जा रहे हैं, यहाँ पर दीदी मैं वगैरह सब साथ में जा रहे हैं और निकल रहे हैं अपने घर की साइड को। मतलब मैं जब अपना वीडियो ऐसे शूट कर रही थी तो सब लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, मतलब सब बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, बट कोई नहीं, हमारा तो काम ही यही है, तो आप लोगों को दिखाना, एंजॉय कराना। तो यहाँ पर भाई वगैरह सब लोग निकले, जीजू दीदी वगैरह सब लोग पीछे हैं। और अभी भी मतलब सब रिंग सेरेमनी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद में भी इसका फ़ोटोशूट चल रहा था, तो चलो चलते हैं। तो जी हम बैठ गए अपनी गाड़ी में आकर, हालत हो गई है एकदम खस्ता क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और मेकअप तो ऐसे बह गया था, बस पूछो मत, दिखाओ देखो मेरे पास से मेकअप, थोड़ा मतलब इतना भी ख़राब नहीं था बट ठीक था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच गए थे और हम लोग कल 6 बजे के बीच में घर पहुंचे थे और मेरे को बहुत ज़्यादा वाली थकान हो गई थी, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम से सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो हम लोग कल पहुंचे 6 बजे घर पे और रिंग सेरेमनी का जो फंक्शन था वो अच्छा रहा, पर लेकिन सबसे खंदी बात जो थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ना पूछो मत, मतलब ऐसी गर्मी में सबसे अच्छा यही है कि सिंपल सूट पहन के जाओ और सबसे बेस्ट है। तो चलो, अब जो फंक्शन होना था वो हो ही गया, तो हम करते हैं अपनी व्लॉग का अब यहीं पर एंड। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। नीचे बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जितनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू सो।